निर्भया केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा मंगलवार को चारों दोषियों को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी करने के बाद तिहाड़ जेल में हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही चारों को फांसी देने के लिए ट्रायल शुरू हो जाएगा। इस बीच सूत्रों की माने तो तिहाड़ जेल में प्रशासन की ओर से कहा गया है कि दोषी अक्षय, मुकेश, पवन और विनय को फांसी देने के लिए डमी के जरिए ट्रायल किया जाएगा, लेकिन ये बुधवार को नहीं होगा। ये भी जानकारी सामने आई है कि फांसी देने के लिए ट्रायल तिहाड़ जेल संख्या नंबर 3 में होगा। डमी ट्रायल के दौरान जेल के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया के दोषियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल अधिकारियों का कहना है कि चारों दोषियों को कड़ी निगरानी वाले सेल में रखा गया है। ये अपने अपने सेल में अकेले हैं। अब तक इनके साथ रहने वाले अन्य कैदियों को दूसरे सेल में भेज दिया गया है। इनकी सुरक्षा में तमिलनाडु पुलिस का एक और जेल में सुरक्षा कर्मी तैनात किया गया है। जल्द ही चारों को जेल संख्या नंबर 3 में भेज दिया जाएगा। वहां फांसी घर के पास बने सेल में इन्हें रखा जाएगा। इनकी सुरक्षा के लिए जेल कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। ये सेल से जब भी बाहर निकलेंगे इसके साथ सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। रोजाना इनके स्वास्थ्य की जाँच होगी, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।